ये जो स्टोरी है ये शुरू होती है दो बच्चों के नाम पर जो है मागी और टॉमी। ये जो स्टोरी है ये हो रही है फ्यूचर में, जहाँ जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं हर चीज़ को। इससे भी ज़्यादा ये दिखाते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है स्कूल और क्लासरूम का वो कैसे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है फ्यूचर में। ईयर क्या है? 2157। और मागी अपनी डायरी में लिख रही है कि टॉमी को एक रियल बुक फाइंड आउट हुई है। द बुक वॉज टॉमीज ग्रैंड फादर वेन ही वॉज लिटिल किड। अब जो वो बुक थी वो टॉमी के ग्रैंड फादर की थी जब वो छोटे बच्चे थे। मागी ने समझा अबाउट हाउ दे यूज टू प्रिंट द स्टोरीज ऑन पेपर, मतलब कैसे जो कहानियां थी वो पेपर पर लिखी जाती थी। फर्दर वो बुक को पढ़ती है खुद भी और जो पेजेस होते हैं उसे बहुत फनी तरीके से टर्न करती है। उसके लिए ये सब फनी था क्योंकि उसको आदत नहीं थी वर्ड्स को रीड करने के लिए, क्योंकि ओनली जो मोशन दैट टू ऑन स्क्रीन वो सिर्फ रीड कर सकती थी। तो वी लर्न, हमें समझ में आया कि जो फ्यूचर है देयर आर नो बुक्स ओनली टेली बुक्स, द स्टोर देम इन टीवी सेट एंड कंप्यूटर्स। सो आफ्टर दैट इट टेक्स एन इंटरेस्टिंग टर्न व्हेन दे डिस्कस स्कूल। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जब वो स्कूल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मागी को समझ आता है कि जो स्कूल्स थे, मतलब बैक में जो हमारे लिए प्रेजेंट हुए, वो काफ़ी डिफरेंट थे। और मागी के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होंगी, हम पूरे चैप्टर को रीड करते हैं और जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चैप्टर रीड करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। और कैसे हैं आप सब? तो आज हम करेंगे द फन दे हैड का चैप्टर। ठीक है, ये आपकी क्लास 9th का पहला चैप्टर है। और अभी हमने वीडियो में जस्ट देखा कि मागी को एक रियल बुक मिली है। जब वो पेजेस को टर्न कर रही है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली चीजें हैं। और उसे ये भी पता चल रहा है कि जो स्कूल्स होते थे वो फिजिकल स्कूल होते थे। ठीक है, जो उनका एनवायरमेंट होता था बहुत चेंज होता था। और आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे और भी ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ें जो मागी को मिली। तो इसीलिए चैप्टर रीडिंग भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट द ऑथर देख लेते हैं। आइज़ैक एसिमोव ऑथर का नाम है जिन्होंने द फंदे हैड लिखा है। ठीक है, वॉज एन अमेरिकन राइटर प्रोफेसर एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी। ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क ऑफ साइंस फिक्शन एंड पॉपुलर साइंस। एसिमोव वॉज अ प्रोफिलिक राइटर एंड रोट मोर देन 500 बुक्स। तो हमारे को चैप्टर में, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर के राइटर का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें नॉलेज पर्पज़ के लिए वी जस्ट हैव टू लर्न वन थिंग कि आइज़ैक एसिमोव हमारे राइटर हैं। ठीक है, बस अबाउट द चैप्टर को देख लेते हैं। ये जो कहानी है, द स्टोरी टेक प्लेस टू द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर वेयर कंप्यूटर प्लेज अ मेजर रोल। इट एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ अ वर्चुअल क्लासरूम। तो ये जो कहानी है ये हमारे को फ्यूचर के बारे में बताती है, जहां पर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। ठीक है, और ये हमारे को वर्चुअल क्लासरूम के बारे में बताती है। ये जो टर्म वर्चुअल रियलिटी है ना, ये रेफर करती है रियलिटी जो क्रिएटेड बाय द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एंड अ वर्चुअल क्लासरूम इज नॉट अ रियल क्लासरूम बट वन वेयर लर्निंग इज थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और द इंटरनेट। तो वो यहां पर बोल रहे हैं कि वर्चुअल क्लासरूम मीन्स कोई रियल क्लासरूम नहीं है। ठीक है, एक सिस्टम लग रखा है, एक कंप्यूटर लग रखा है, वहां पर एक रोबोट टीचर्स आ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, दैट्स इनफ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअल क्लासरूम, मतलब ये एक रियल क्लासरूम नहीं है। ठीक है, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर वेयर बुक्स एंड स्कूल आर एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जहां पर जो किताबें हैं और जो रियल टीचर्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, खाली कंप्यूटर के थ्रू चलेगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? द क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, इन पेयर डिस्कस द थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड थ्री थिंग अबाउट योर स्कूल दैट यू विल लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन।
तो अब मुझे भी जानना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको अपने स्कूल्स के बारे में क्या चीज़ें सबसे अच्छी लगती हैं और क्या चीज़ें आपको लगता है कि दैट यू वॉन्ट टू चेंज। ठीक है, तो ये मेरे को चाहिए भाई, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ राइट इट डाउन कि आपको आपके स्कूल्स के बारे में कितना अच्छा लगता है, क्या क्या अच्छा लगता है। और अगर स्कूल एग्जिस्ट ही ना करे, सारा दिन आप घर बैठे रहो, इतनी बोरियत हो जाएगी भाई, है ना। तो आगे देखो, हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन, क्या आपने कभी टेलीविजन स्क्रीन पे वर्ड्स पढ़े हैं जैसे पीपीटी के प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आती है। कैन यू इमेजिन देम अ टाइम वेयर ऑल बुक्स विल बी द कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन द पेपर, वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। तो क्या आपको लगता है, आप इमेजिन करिए कि आपके पास कोई रियल बुक नहीं है, सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर या टैबलेट्स पे आपको मिल रही हैं, क्या आपको वैसी बुक्स पसंद आएंगी? नहीं, मुझे तो नहीं आएंगी। ठीक है, वी हम लेक्चर्स को सुन सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन हमें बुक्स तो रियल चाहिए ना, हाथ में होनी चाहिए ना बुक, तभी हमारी एक कनेक्टिविटी वर्ड्स के साथ बनती है। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है भाई, अब देखिए हमारी भी एक तरह की वर्चुअल क्लासरूम ही है, तो आपके कमेंट सेक्शन से ही मुझे पता चलेगा कि आपके माइंडसेट क्या है, वरना आप मेरे सामने होते तो हाँ भाई खड़े हो जा बता मुझे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मागी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157। अभी कौन सा साल चल रहा है, 2020 राइट, 2022 चल रहा है। ठीक है, और ये पूरा भविष्य की है। ठीक है, मोर देन 100 ईयर्स आगे की अहेड की कहानी है। ठीक है, शी रोट टॉमी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मागी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन द पेपर। तो यहाँ पर लिख रखा है कि मागी को एक डायरी मिली, मतलब मागी डायरी एंट्री करती थी, तो 17 May का डे था 2157। ठीक है, तो वो लिखती है कि टॉमी को आज एक रियल बुक फाइंड आउट हुई है। ठीक है, टॉमी ने एक सच्ची बुक, मतलब वास्तविक फिजिकल बुक को मिला है। उसके दादा ने बोला था जब वो एक छोटे बच्चे थे तो जो उसके ग्रैंडफादर होते थे उन्होंने उन्हें बताया था कि उस समय जो कहानियाँ होती थी वो किस पर लिखी जाती थी, पेपर पर लिखी जाती थी, मतलब इट वॉज अ रियल बुक देयर। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही लिख रखा है कि टॉमी को एक रियल बुक मिली। ठीक है, उसके दादा जब छोटे बच्चे थे तो उन्होंने बताया कि जब उनके दादा छोटे बच्चे थे तो जो कहानियाँ होती थी वो पेपर पर लिखी जाती थी। दे टर्न द पेजेस विच आर येल्लो एंड क्रिंकली, मतलब जो पेजेस थे वो येल्लो भी हो गए थे और थोड़ी क्रैंक्स आ गए थे उसमें, तो क्रिंकली। ठीक है, ओके, एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन द स्क्रीन, यू नो। और वो कह रहे हैं इट वॉज लाइक ऑफुली फनी, मतलब कि बहुत ही अजीब लग रहा था कि जो बुक के पे जो वर्ड्स हैं वो पेपर पर अभी भी लिखे हुए हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं जैसे स्क्रीन पर उसे करते हैं। ठीक है, जैसे स्क्रीन पर वर्ड फ्लैश होते रहते हैं, बट जो रियल बुक है वहाँ पर क्या है, पेपर पर ही वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, एंड देन वेन दे टर्नड बैक द पेजेस बिफोर इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट हैड When they read it in the first time, तो जब वो pages को turn करते हैं, जो पहले पेज पर जो words लिखे हुए हैं, letters लिखे हुए हैं, वो वैसे के वैसे ही लिखे रहेंगे ना, वो change थोड़ी हो जाएंगे movement के wise, तो वैसा ही यहाँ पर बोला गया है। घी said Tommy, what a waste, घी मतलब कि disapproval का एक हम ये कह सकते हैं exclamatory interjection होता है। ठीक है, घी said Tommy, what a waste when you are through with the book. You just throw it away, I guess. Our television screen must have a million books on it and it's good for plenty more. तो जब टॉमी को दिखता है, बुक दिखती है, तो वो कहता है कितना वेस्टेज ऑफ पेपर है यहाँ पर। ठीक है, और एक बार ही आपने इस पेपर, इस बुक को पढ़ लिया तो यू विल जस्ट थ्रो, ठीक है, या फेंक दोगे या किसी को दे दोगे, तो कितना पेपर की वेस्टेज है। जब आपने पढ़ लिया तो आपको उसको थ्रो करना पड़ेगा अल्टीमेटली। लेकिन जो टेलीविजन बुक्स हैं, अगर आप देखो इसमें कितनी ज़्यादा पीडीएफ्स होती हैं, ठीक है, इतनी मिलियन ऑफ बुक्स आपको इंटरनेट के थ्रू मिल जाती है, तो पेपर का वेस्टेज नहीं होता, दिस इज़ अ बेनिफिट, राइट। तो जितना हमने पढ़ा है उस पर मैं आपको करवाऊंगी क्विज, लेकिन मैं आंसर्स नहीं बताऊंगी। कमेंट सेक्शन में 3 क्विजेस के आपको आंसर्स देने हैं, ये आपका होमवर्क हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1, अभी 2 पैराग्राफ ही पढ़े उस पर बेस्ड पहला क्विज, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर। पेपर पर लिख लो फटाफट से, ताकि कमेंट सेक्शन में मुझे बता सको। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी।
मुझे आता है लेकिन मैं बताऊंगी ना ना. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? लिख लिया होगा पेपर पे, फटाफट से तो लिखना है, है ना, फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है ताकि मैं आपके चेक कर सकूं. तो होप आपने लिख लिया है. चलिए पैराग्राफ नंबर 2, आई वुडंट थ्रो इट अवे, सेम विद माइंड सेड मागी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. तो उसने कहा कि आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो नहीं फेंकूंगा, है ना. अब टेली बुक्स में अगर हम ये कहेंगे कि कितनी पीजीएफ्स हैं तो वो फेंकते थोड़ी हैं जब यूज़ कर ली, तो जस्ट वी क्लोज दैट विंडो और हम दूसरे पे चल लेते हैं. तो मागी कहती सेम विद माई, मेरा भी यही है, मैं भी नहीं फेंकूंगी, ठीक है. और जो मागी है उसकी एज जो है वो 11 ईयर्स है और इसलिए उसने ज़्यादा हैडन सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. तो जितनी टेली बुक्स टॉमी ने देखी हैं मागी ने इतनी नहीं देखी हैं क्योंकि मागी अभी छोटी है. ही वॉज 13, जो टॉमी है वो 13 ईयर्स का है. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो उसने कहा ये जो रियल बुक है वो कहाँ फाइंड आउट की, क्योंकि टेली बुक को तो हम नहीं फेंकेंगे ना. उसने कहा मैं तो नहीं फेंकूंगा टेली बुक को, तो उसने कहा मैं भी नहीं फेंकूंगी, मतलब कि स्क्रीन वाइज बुक जो होती है, ठीक है, फिजिकल बुक नहीं. तो एकदम से मागी कहती है भाई ये बता कि तेरे को ये रियल बुक मिली कहाँ से, ठीक है. इन माई हाउस, तो टॉमी कहता मेरे घर पर. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. वॉट इज अबाउट स्कूल, तो ही वॉज जस्ट रीडिंग एंड ऐसे. तो ही वॉज नॉट सीइंग कि मागी क्या कह रही है, कि मागी बोल रही है कि तेरे को कहाँ मिली बुक. तो ही वॉज सेंट रिप्लाइंग दैट एंड ही वॉज जस्ट गोइंग टू रीड दिस. ओके ओके, तो ये किसके बारे में है, ठीक है, जो तुम पढ़ रहे हो. तो उसने कहा स्कूल के बारे में है, ठीक है. मागी वॉज क्रॉनफुल, स्कूल वॉट दे आर टू राइट अबाउट स्कूल. क्रॉनफुल मतलब कि गुस्से में ना, एंग्विश वे, ठीक है, एंग्विश जिसे हम कहते हैं. मागी वॉज क्रॉनफुल मतलब कि गुस्से में. स्कूल What there to write about school? क्या है स्कूल के बारे में लिखने के लिए. I hate school. मुझे नफरत है स्कूल से. Maggie always hated school, but now she hated it more than ever. तो मतलब यहाँ लिख रखा है कि Maggie was cornful, मतलब कि गुस्से में, in an anguish way. Okay? कि Maggie कहती school, school के बारे में क्या लिखना है. मतलब कि Maggie को जो school था उससे hate थी और अब तो और भी ज़्यादा हो गई थी. The mechanical teacher had been giving her test after the test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head scornfully and sent to the county inspector. तो क्या था, जो mechanical teacher थे उन्हें test दे रहे थे किसे, मागी को, geography के test के बाद. और जो मागी की जो performance थी mechanical में वो बिल्कुल ही worse थी और तब तक वो worse पे worse हुई, मतलब कि she was not giving the correct answers. तो performance बहुत weak थी, तो उसकी मम्मा पीछे से आती हैं और उसको ऐसे मारती हैं और उसे county inspector के पास भेज देती हैं. मतलब कि it is like, ये नहीं है कि काउंटी इंस्पेक्टर पास जा रही है, वो एक स्कूल का ही एक बंद कमरा है, वहाँ पर ही काउंटी इंस्पेक्टर है, वहाँ पर ही मैकेनिकल टीचर है, ठीक है. तो क्या है, मैकेनिक काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजती है, मतलब काउंसलिंग. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद अ डायल्स एंड वायर्स. तो वो एक काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था, उसका राउंड लिटिल मैन था, मतलब कि गोलू मोलू सा छोटा सा हाइट का व्यक्ति, विद अ रेड फेस और लाल चेहरा था उसका, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर, और उसके पास एक बॉक्स था डायल्स और वायर्स का. ही स्माइल्ड एट मागी, उन्होंने मागी को देखकर स्माइल किया और गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को साइड में लेकर गए, ठीक है. मागी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट. एंड आफ्टर एन आवर सो देर वॉज अगेन लार्ज ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड. तो मैंने तभी आपको कहा यहाँ पर कि मागी हैड होप दैट ही वुडंट नो हाउ टू पिट इट टुगेदर अगेन. तो मागी ने ये आशा करी कि उसे नहीं पता होगा कि ये सारी चीज़ें जो टूल्स डायल्स हैं उसे वापस कैसे रखना है, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन हाँ उसे पता था. एंड आफ्टर एन आवर सो, एक घंटे बाद, देर वॉज अगेन, फिर अगेन क्या होता है, एक लार्ज और ब्लैक एंड अगली अ बिग स्क्रीन, मतलब कि जो स्क्रीन पर ब्लैक कलर की, जो मागी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, कुछ चीज़ फ्लैश होती है, ठीक है. ऑल द लेसन वर शोन, और उस पर सारे लेसन्स दिखाए जाते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे पूछे जाते हैं, ठीक है. ओके, दैट वॉजन्ट सो बैड, इतना भी बेकार नहीं था. तो मागी, द पार्ट मागी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, मतलब कि द टाइम पीरियड जिसमें आप ये कह सकते हो कि आपको होमवर्क को करके सबमिट करना है, ये सारा का सारा कंप्यूटर वाइज हो रहा है. हाँ जी हो रहा है, ठीक है. शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर उसे
होमवर्क कर एक कोडिंग में क्या करना पड़ता है, होमवर्क को सबमिट करना पड़ता है, तो वो सबसे ज़्यादा उसके लिए मुश्किल होता था. ठीक है, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम अबाउट इन अ पंच कोड दैट मेड हर टू लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर. तो उसे एक डिफरेंट पंच कोड में, कोडिंग में, ठीक है, उस होमवर्क को करना पड़ता था और उसके बाद उसे सबमिट भी करना पड़ता था. तो इट इज़ लाइक यार होमवर्क भी करे, पंच कोड भी सीखे, जो 6 साल की उम्र में छोटे से बच्चे को आपने कोडिंग सिखा दी, ठीक है, और जो मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम. अब रोबोट टीचर है तो वो फटाफट से मार्क्स को भी काउंट कर देता था. ठीक है, जो इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश एंड पैटेड मागी हेड. तो इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था आफ्टर ही हैज फिनिश, जब उसने काउंट इंस्पेक्टर ने ख़त्म कर दिया एनालाइज करना और उसने मागी को पैट किया हेड पर ऐसे. ठीक है, शी सेड ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल फॉल्ट, कि ये छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है. ठीक है, मिसेज जॉन्स नाम है मागी की मॉम का. द आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वो गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो बहुत ही जल्दी गियर्ड, मतलब कि बहुत जल्दी लेवल अप से सिखा दिया गया है. तो दैट इज वाई वो दिमाग में जा नहीं रहा. दोज थिंग्स हैपन समटाइम, कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स ओल्ड. तो वो काउंट इंस्पेक्टर कहता है कि मैंने वो जो स्पीड है उसे कम कर दिया है. ठीक है, 10 साल के बच्चे के लेवल के हिसाब से कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. तो काउंट इंस्पेक्टर कहते हैं कि ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने जो एनालाइज किया है वो स्पीड बहुत ज़्यादा थी बच्चे के लिए और लेवल थोड़ा हाई था, तो मैंने लेवल सेट कर दिया है 10 साल के बच्चे के लिए. एंड ही पैटेड मागी हेड अगेन, और फिर वो मागी के हेड को थपथपाते हैं. मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, मागी को बहुत ज़्यादा निराशजनक होता है, मतलब कि शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, यार क्या है ये. शी हैड बिन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, तो वो होप कर रहे थे कि इस टीचर को ले जाओ. ठीक है, they had once taken Tommy teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो उसे ये था कि ये जो geography के teacher हैं, ठीक है, तो इन्हें लेकर जाओ, इन्हें मतलब कि suspend कर दो, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि जो Tommy हैं उसको जो history sector को completely blanked दिखा दिया था, तो मतलब कि completely समझाया नहीं गया था, तो उसकी teacher को 1 महीने के लिए दूर कर दिया गया था, मतलब कि suspend कर दिया गया था. So she had said to Tommy, तो उन्होंने Tommy को कहा, why would anyone write about school? तो वो Tommy को कहती हैं कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा. तो this is the background of the story, that is why she hate the school. Okay, इसलिए वो नफरत करी है, बीच में background बताया गया है. ओके, Tommy looked at her with very superior eyes. Superior मतलब कि थोड़ी बड़ी, क्योंकि Tommy 13 years का था, तो Tommy एकदम से एक senior personality की आंखों में ऐसे देखता है, सीनियर पर्सनैलिटी वाली, हम ये कहें आंखों से. ठीक है, ओके, तो टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ही सुपीरियर आइज में. ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. तो वो कहता, अरे यार वो हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, दिस इज़ एन ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 and 100 of years ago. ये तो बहुत पुराने टाइप का स्कूल है जो 100 से भी अधिक साल पुराना होता था. ठीक है, he added loftily, मतलब ऊंचे से, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, सेंचुरीज अगो. तो वो कहता है, अरे पागल, सेंचुरीज अगो मतलब कि 100 साल से भी अधिक. ठीक है, ऐसे स्कूल होते थे, तो इन स्कूलों के बारे में बात नहीं करी जा रही है, एक फिजिकल स्कूल के बारे में बात करी जा रही है. मागी वॉज हर्ट, तो मागी को बहुत दर्द हुआ. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. वो मागी कहते हैं, वेल मुझे तो नहीं पता कि उस समय कैसे टाइप के स्कूल होते थे. ठीक है, तो इस पर क्विज नंबर 2 आ गया. आंसर्स अपनी कॉपी में लिखिए फटाफट से. तो क्विज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर. मागी हेटेड, बताओ बताओ. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक. आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, इट इज योर होमवर्क. ओके, चलिए. She read the books over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो वो शोल्डर पर ऐसे रख कर ऐसे करती है, हाँ माँ टॉमी के साथ पढ़ती है, वेल उनके तो टीचर हुआ करते थे, हमारे पास तो काउंट इंस्पेक्टर या हमारे पास तो मैकेनिकल टीचर, सब ऑनलाइन रोबोट्स है. ठीक है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. तो उसने कहा श्योर, हाँ उनके पास टीचर होते थे, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर. रेगुलर टीचर नहीं, जैसे एक रॉबर्ट होते, इट वॉज अ मैन, मतलब वो एक रियल पर्सनैलिटी, दे वर नॉट
रॉबर्ट, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, तो वो कहती है एक व्यक्ति, व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन. तो वो कहता कि एक व्यक्ति, वो कहते व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि उसने तो रॉबर्ट से देखे थे. तो उसने कहा वेल देखो एक मैन टीचर होते थे और वो लड़के लड़कियों को बात करते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और उन्हें कहते थे कि ये क्वेश्चंस करके आना और उनसे क्वेश्चन भी पूछते थे. ओके, अ मैन इजेंट अ स्मार्ट इनफ, तो उसने कहा मैन इजेंट स्मार्ट इनफ, मतलब एक ह्यूमन इतना स्मार्ट नहीं होता. ठीक है, श्योर ही इज, लेकिन हाँ ये होते हैं, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो उसने कहा नहीं देखो, मेरे फादर को भी उतना ही पता है जितने एक टीचर को पता होता है, मतलब उनके रॉबर्ट टीचर को. तो मैं ये कह सकता हूँ एक जो मैन है वो भी उतना ही इंटेलिजेंट है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा, बच्चा मतलब शर्त लगाना. ठीक है, वो कहता है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई, मैं बेट करता हूँ. तो वो कहते हैं कि मैं शर्त लगाता हूँ उसे भी उतना ही पता है जितना फादर को. मागी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट शी हैड, शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. तो मागी कहती है कि वॉजेंट प्रिपेयर, तो मागी जो थी वो कॉन्वर्जेशन है कॉन्फ्लिक्ट कॉन्वर्जेशन के लिए रेडी नहीं थी. तो शी सेड कि देखो मैं एक स्ट्रेंज मैन को, मतलब एक अजीब व्यक्ति को अपने घर पर नहीं बुलाऊंगी पढ़ाने के लिए. ओके, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी कहता हाँ पागल है यार. ठीक है, एक्टिंग अच्छी नहीं करी बट इट वॉज ओके. ठीक है, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, तो टॉमी चिल्लाया हंसी से. ठीक है, यू डोंट नो मच, तुम्हें इतना नहीं पता मागी. द टीचर डिडंट लीव इन द हाउस, जो टीचर है वो स्कूल में नहीं, वो घर पर नहीं रहते हैं. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, तो स्कूल्स जो होते हैं उनकी स्पेशल बिल्डिंग होती है एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहीं पर जाते हैं. And all the kids learn the same thing, और सारे बच्चे एक ही चीज़ को समझते हैं. और if अब however sure if they were at of the same age, तो वो यहाँ पर कहते हैं अरे पागल है क्या, एक अजीब व्यक्ति घर पर थोड़ी आएगा, स्कूल के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, वहाँ पर सब बच्चे जाते हैं और अगर उनकी सेम एज है तो उन्हें सब कुछ सेम पढ़ाया जाता है, मतलब इक्वालिटी पूरी है. But my mother says a teacher has to be adjusted to the fit the mind of each boy and girl if teaches and that each kid has to be taught differently. तो मागी कहती है लेकिन सुनो, मेरी मॉम तो ये कहती है कि हर बच्चे का माइंडसेट अलग है, तो हर बच्चे के माइंडसेट के अकॉर्डिंग हर टीचर को उस बच्चे के हिसाब से डील करना चाहिए. ईच बॉय या ईच गर्ल हैज टू बी टीच डिफरेंटली, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग है, है ना. तो यहाँ पर यही हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, मतलब हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना है. जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट दैट वे देन. ठीक है, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तो वो कहते हैं देखिए ऐसी चीज़ है वो नहीं करते हैं और अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत पढ़ो बुक को. ठीक है, आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, माँ की कहती मैंने ये थोड़ी कहा है कि मुझे नहीं पढ़नी है. तो वो कहता कि ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हें बुक नहीं पसंद में आ रही स्कूल की तो मत पढ़ो फिर. तो माँ की कहती मैंने कब कहा कि आई डिडेंट लाइक, मुझे क्या, मैंने कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है. शी वॉन्टेड टू रीड दोज अबाउट दोज फनी स्कूल, वो कहती है कि मुझे भी पढ़ना है वो बहुत ही जो फनी स्कूल्स हैं उनके बारे में मुझे भी पढ़ना है. ओके, दे वरंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मागी मदर कॉल्ड मागी स्कूल, तो अभी उन्होंने आधी बुक भी कंप्लीट नहीं करी थी तो उतनी देर में मागी की मॉम ने बुलाया और कहा मागी स्कूल स्टार्ट हो गया है आ जाओ. तो मागी लुक जब, तो मागी ऐसे पढ़ रही थी टॉमी के साथ एंड मागी सो हाँ यार क्या हो गया. ठीक है, नॉट येट ममा, उसने कहा ममा अभी चालू नहीं हुआ है. नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, उसने कहा अब शुरू हो गया है और वो शायद प्रॉबेबली मतलब संभावना थी कि अब जो टॉमी का स्कूल है वो भी शुरू हो गया होगा. ठीक है, तो मागी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, तो मागी कहती है कि स्कूल के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ ये जो रियल बुक है वो पढ़ सकती हूँ. तो मे बी ही सेड नॉन चैलेंजली, मतलब कि मे बी उसने कहा हाँ शायद इन अ कैजुअल टोन, हाँ शायद पढ़ लेना साथ में, मतलब इन अ कैजुअल वे, ओके पढ़ना है ना तो पढ़ लेना. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनिथ हिज आर्म, तो वो वॉक्ड अवे मतलब कि जो टॉमी था वो उसने क्या करा बुक को ऐसे रखा और वो बिल्कुल कैजुअल तरीके से सीटी बजाते हुए क्या करा था चला गया. ठीक है, ओके, मागी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मागी स्कूल रूम में ही गई
इट वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो बेडरूम के साथ में ही था, ठीक है. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर थे वो स्क्रीन पर उसका इंतजार कर रहे थे. इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. तो हर रोज स्कूल होता था, सेम टाइम पर होता था, लेकिन सैटरडे और संडे नहीं होता था. बिकॉज क्योंकि हर मदर सेड, क्योंकि जो उनकी मॉम कहती थी द लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उनकी मॉम का ये कहना था कि जो छोटी बच्ची होती है ना, प्यारी प्यारी छोटी छोटी नोनी मुनी लड़की या लड़का, उन्हें सेम टाइम पर पढ़ाना चाहिए, रेगुलर सेम टाइम पर पढ़ाना चाहिए, इससे दिमाग में ना अच्छी चीज़ें जाती हैं, ठीक है. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडे अर्थमेटिक सेशन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन अ प्रॉपर स्लॉट. तो क्या लिख रखा था, जो स्क्रीन थी वो एकदम से लिट अप हुई और कहा कि आज का लेसन जो है वो अर्थमेटिक लेसन पर है, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो मैथ्स तो आप पढ़ते ही हो, अर्थमेटिक लेसन है, प्रॉपर फ्रैक्शन को एडिशन करना है, ठीक है. प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और कल का जो होमवर्क था वो प्रॉपर स्लॉट पर आप सबमिट करा दीजिए. मागी डिड सो विद अ साई, तो मागी ने वो पंच कोड किया और प्रॉपर स्लॉट में डाला. गहरी सांस लेके शुक्र है कि होमवर्क है जो सबमिट हो गया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, लेकिन वो सोच रही थी पुराने स्कूल के बारे में जब उसके जो ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे, ठीक है, वाज अ लिटिल बॉय. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard, sitting together in a school class, school room, going home together at the end of the day. So she was just thinking about the old school. कि क्या सोच रही थी वो, old schools के बारे में सोच रही थी, जो grandfather के grandfather जब छोटे बच्चे हुआ करते थे तो वो जो होते थे सारे neighborhood, मतलब पड़ोसी के बच्चे इकट्ठे आया करते थे, ठीक है. यहाँ पर क्या, all the kids from the whole neighborhood, जो whole neighborhood के थे वो इकट्ठे आया करते थे, हंसते थे, लाफ करते थे, चिल्लाते थे स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, ठीक है, हंसते थे, खेलते थे, ठीक है. और उसके बाद सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में सब बच्चे इकट्ठे बैठा करते थे, गोइंग होम टुगेदर, इकट्ठे घर जाया करते थे, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के खत्म होने पर, ठीक है. दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सारी के सारी सेम चीज़ों को पढ़ा करते थे. So they could help one another with the homework and talk about it, ताकि वो एक दूसरे के साथ पढ़ सके, लर्न कर सके, होमवर्क कर सके, बात कर सके. ऑल द टीचर्स वर पीपल, सारे के सारे जो टीचर्स होते थे वो लोग होते थे, मतलब देवर मैन, देवर नॉट रोबोट्स. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर जब वो ये सोच रही थी, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी, तो मैकेनिकल टीचर जो थे वो फ्लैश कर रहे थे स्क्रीन पर. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो फ्लैश कर रहे थे और वो कह रहे थे, वेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. तो वेन द मैकेनिकल टीचर वॉज टीचिंग, मतलब ही वॉज अ रोबोट, और वो समझा रहे थे 1/3 और 1/4 को अगर हम ऐड करेंगे, तो मागी के जो थाट्स थे वो पुराने स्कूल में थे, कि कैसे जो बच्चे होते थे वो इकट्ठे स्कूल यार्ड में खेला करते थे, बातें करते थे, क्लासरूम में इकट्ठा बैठा करते थे, एक नेबरहुड से पड़ोस के इकट्ठे होकर स्कूल जाया करते थे, और दिन के खत्म होने में वापस आते थे, एक दूसरे को हेल्प करते थे काम करने के लिए. तो शी वॉज थिंकिंग कितना प्यारा स्कूल हुआ करता था, है ना. मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो ये सोच रही थी कि कैसे वो फन करते थे. तो इट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर, ठीक है, छोटा सा चैप्टर था हमारा, जिसमें हमने देखा कि मागी एक्चुअली शी वॉज डूइंग वर्स इन ज्योग्राफी, सो काउंटर इंस्पेक्टर को बुलाया गया, ठीक है. तो उसने क्या किया कि लेवल ठीक करा, ठीक है, मतलब कि उसने ये कहा कि कई बार क्या होता है कि बच्चे को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, मतलब उसके लेवल से, तो उन्होंने 10 साल के बच्चे का लेवल ठीक किया. मैकेनिकल टीचर वो भी रोबोट ही था, ठीक है, जो फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पर, लेकिन जब टॉमी ने एक रियल बुक को फाइंड आउट किया तब पता चला कि जो रियल स्कूल होता है वो कितना अलग होता था. तो मागी जो हेट करती थी स्कूल को, आज वो ये सोच रही है कि काश रियल स्कूल होता तो कितना इंजॉय करते हम पढ़ाई को, है ना. तो इसी के साथ हम क्विज नंबर 3 देख लेते हैं. आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं मुझे, दीज आर द होमवर्क, जो साइड बाय साइड आपकी प्रैक्टिस चलती जा रही है. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर, व्हाटएवर द आंसर दे दो. क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी,
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? मैं बता दूं, आप कहोगे नहीं हमें मत बताइए, हम होमवर्क लिखेंगे और आपको चेक करना है, ठीक है? तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फन दे हैड, और होप आपको चैप्टर समझ में आया है, वन शॉट रिविजन टाइप, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कंसीडर करेंगे, ठीक है? और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, जस्ट पढ़ले के साथ बने रहिए, ऐसे ही चैप्टर्स हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे. बाय बाय, टेक केयर.